अब तो आंखें भी मेरी पलकों से सवाल करती हैं, हर वक्त हर लम्हा अस्तित्व की याद किया करती हैं। जब तक न देख ले भीतर की आंख से, तब तक पल पल अपने होने का बस इंतजार किया करती हैं। भीतर देखना, ध्यान का ध्यान रखना। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देकर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता। इसीलिए इस जीवन का सम्मान करना, प्यार करना अपने आप से। और जब इंसान को अपने जीवन का सही अर्थ और अपनी भूमिका की पूरी स्पष्टता मिल जाती है, तब उसके लिए दृढ़ता से जीना आसान हो जाता है। कहीं कोई भटकाव या बाधा नहीं आती। फिर जीवन में चाहे मुसीबतें आए या सुख सुविधाएं आए, इंसान अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता। और इसके लिए कुदरत भी आपका समय समय पर मार्गदर्शन करती है। मगर कुदरत से मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए इंसान की पूरी तैयारी चाहिए, अभी और यहीं। इसी तैयारी के लिए, व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए अंतस की धारा, एक सही दिशा में उठा हुआ कदम, जहां मिलेगी भरपूर सफलता एवं निरोग जीवन, तरंगे बिखेरती हुई तंदुरुस्ती, प्रेम में जीवन की आभा, वह हर चीज जिसकी आप कामना करते हैं। और अंतर्मन से तो आप जानते ही हैं कि आपका आनंदित जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ देर साक्षी भाव, साक्षी यानी आप हर प्रसंग में मौजूद हो लेकिन प्रभावित नहीं हो। किसी भी परिस्थिति में साक्षी के अलावा सभी परिस्थितियों में हमारे एनर्जी सिस्टम में एक बाधा उत्पन्न होती है, और यही बाधा हमारे सभी दुखों, बीमारियों, परेशानियों एवं असफलताओं की जड़ है। जी हाँ, हम जीवित हैं, महसूस करना, सांस चल रही है ना, ये जीवन ऊर्जा निरंतर बह रही है हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर चक्रों एवं नस नाड़ियों के माध्यम से। इसके अलावा ये ऊर्जा हमारे शरीर के चारों तरफ फैली एनर्जी फील्ड, जिसे हम आभा मंडल ऑरा कहते हैं, उसमें भी निरंतर बह रही है। इस लाइफ फोर्स एनर्जी के खुले रूप से हम में से प्रवाहित होने से ही हम सेहतमंद रहते हुए सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परंतु इसके अवरुद्ध होने से हमारे तन, मन, आत्मा में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे जीवन में दुखों, परेशानियों एवं कष्टों की बाढ़ आ जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच, डर, चिंता, अपराध बोध एवं नकारात्मक सोच हमारे ही भीतर दो तरह की ब्लॉकेज कर देती है, आत्मा की अवरुद्धता एवं माइंड की अवरुद्धता। हमारे वो नेगेटिव कर्मास हैं जिनका फल हम अभी भोग रहे हैं, यानी सोल ब्लॉकेजेस, अतीत के बुरे कर्मों के कारण, चाहे वो इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के हैं। हमारे जीवन के कई पहलुओं पर इसका दुष्प्रभाव रहता है,
सेहत संबंधी कष्ट, असाध्य रोग, संघर्ष में जीवन, रिश्तों में बिगाड़ एवं छोटी आयु। माइंड ब्लॉकेजेस में शामिल है हमारी नेगेटिविटीज, हमारी मनोवृत्तियां, प्रवृत्तियां एवं गलत धारणाएं। जरूरत है अब आपको अपनी एनर्जी सिस्टम के सभी अवरोधों को बाहर निकालने की, उसमें एनर्जी प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए एक आनंदित, प्रफुल्लित जीवन निर्वाह के लिए वर्तमान की महत्वपूर्ण खोज यानी अंतस की धारा, उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं फ्री मेडिटेशन सेशंस DU 164 पीतमपुरा, अंतस योग बाय इंदु जैन।